हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस न्यू ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। और मैं जा रही हूँ अभी जिम, एकदम रेडी हूँ। भाई यहाँ चूहा बहुत है और चूहा की आवाज़ सुन के ना मुझे ऐसा लगता है कि स्नेक आ जाएगा। स्नेक कहाँ आएगा अभी। और मैं जा रही हूँ जिम और देख सकते हो आप सब, अंधेरा बहुत है। अब ऐसे ही दिन ब दिन अंधेरा बढ़ता जाएगा। स्मेल आ रही है, यहाँ पे कचरा है। आगे बात करते हैं। देख लो, अब मैं नहीं दिखूँगी बीच में क्योंकि लाइट नहीं है ज़्यादा और मुझे डर भी लगता है कई बार इस रोड पे, बिकॉज़ कोई भी नहीं है। देख लो, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। कोई बात नहीं। और आप सब कैसे हो? आप सब जा रहे हो वर्कआउट करने, पार्क रनिंग करने? जाया करो यार, सुबह उठोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। उठने का मन नहीं करेगा, बट आप लाइक 15 डेज भी उठ जाते हो। कई लोग बोलते हैं कि 1 वीक भी। हाँ, आप सब कंटिन्यूसली 1 वीक भी आप सब उठ रहे हो तो बहुत ही लाइक अच्छा रहेगा, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। 1 वीक भी आप सुबह उठ के आप रनिंग करने जा रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो या वॉक पे जा रहे हो, एक दिन दो दिन ऐसे करते करते 1 वीक आप सब उठ जाओगे ना तो 7-8 डेज अपने आप नींद खुल जाएगी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा पूरा दिन, ठीक है। और कई बार ना देखो ट्रक है, ट्रक दिखाई दे रहा है, ये उसकी वो दिख रही होगी आप सबको, ये देखो ये ट्रक पीछे। ऐसा होता है इनके जो ड्राइवर होते हैं ना वो अंदर सो गए होते हैं। अभी भी आवाज़ आ रही थी, कोई दिख नहीं रहा था मुझे ट्रक में, तो वो क्या पता फ़ोन उनका चल रहा हो रात से। तो ऐसे में मैं डर जाती हूँ कि ट्रक में है तो कोई भी नहीं, फ़ोन की आवाज़ कैसे आ रहा है फिर। तो इसलिए रुको 2 मिनट यार, बाजू में दर्द हो गई यार। और आजकल ना मुझे पेन इतना ज़्यादा होता है ना टांगों में, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा दर्द होती है मेरे को। बाजू में भी, टांगों में भी बहुत दर्द होता है क्योंकि मैंने अपना वर्कआउट का टाइमिंग भी बढ़ा दिया है और मैं रनिंग भी कर रही हूँ साथ में। मुझे बहुत दर्द होता है टांगों में, बहुत ज़्यादा। मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना पेन होता है सुबह। हेलो, हाय, कैसे हो? ठीक हो? और फिर भी मैं डेली आ रही हूँ। सोचो, आप सब थोड़ा सा वो कर लो, आप सब थोड़ा सा वो कर लो और आ जाओ। और मैं पहुँच गई हूँ फाइनली जिम, तो अब मैं वर्कआउट करूँगी, हो सकता है तो मैं दिखा दूँगी, नहीं तो मिलेंगे बाहर। और मेरे को ना मेरा फेस, मुंह मेरा बोपला लग रहा है ना। सुबह जब ही उठती हूँ ना मैं तो यार ये भोपला ही बन जाती हूँ फिर। आई डोंट नो व्हाई, मतलब कोई बात नहीं। और मैं स्टीम भी नहीं ले सकती क्योंकि मेरे को ना प्रॉब्लम है यार, स्टीम लेती हूँ ना तो सांस फूलने लग जाती है। 1 सेकंड भी नहीं रख पाती हूँ मैं स्टीम, लाइक स्टीम नहीं ले पाती हूँ 1 सेकंड। और मैं वही ख़तरनाक रोड पर हूँ। अरे भाई, अभी तो कोई, देखो यार अभी तो दिख ही नहीं रहा है भाई। ये लाइट को क्या हो गया यार, लाइट नहीं जल रही है यार, भागो रंजू, कोई आ जाएगा। और सच में ये गाड़ी आ रही है यार, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। देखो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों खराब है, 3 खराब है भाई। क्या हो क्या गया इनको, लाइट तो जलाना चाहिए यार, लाइट खराब हो गई यार। और मैंने सेकेंड रोड भी क्रॉस कर लिया है, ये मुझे ये डेली का टास्क रहता है आने जाने टाइम पे, बहुत ध्यान से मुझे करना होता है क्रॉस। कई बार ना लाइक पता ही नहीं लगता, मैं कुछ सोच रही होती हूँ ना भाई। एक दिन क्या हुआ, आर्मी की ट्रक आ रहा था और मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, वो लाइट
मेरी नहीं थी, मैं चली गई ठीक है। और भाई इतनी खतरनाक एक्सीडेंट होती मेरी, ओ थैंक गॉड मेरे माता रानी। जा रही हूँ रनिंग करने। स्टैंड के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी कंप्लीट हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मैं जा रही हूँ अब जूस पीने, जूस पीने के बाद घर जाऊँगी। चलो चलते हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है टांग में ना, यहाँ यहाँ पेन हो रही है, यहाँ नीज में स्वेलिंग आ गई है। अपनी कैप लाना पड़ेगा यहाँ पे दोनों के लिए,
और यहाँ पे भी सपोर्टर कुछ चाहिए, एल्बो कैप भी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी ये। चलो चलते हैं घर। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब गाइज। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, दूसरे का भी ख्याल रखिए। बाय बाय गाइज। और एक चीज़, मैं ना अभी रनिंग कर रही थी तो यहाँ से कोई बंदा जा रहा था और वो कम से कम 5 मिनट पहले मेरे को उसने मतलब देखा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने रोका मेरे को, फिर बोलता कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, मैंने बोला किसी चीज़ के लिए नहीं। फिर उन्होंने मेरे को कुछ टिप्स दिए, वो एक्चुअली हरियाणा से है और वो कुश्ती खेलते थे, तो कुश्ती का चैंपियन रह चुका है और आर्मी के वो जो एक्सरसाइज नहीं जाते वो टीचर है। आप सब बोर हो जाओगे और यार लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, देखने के बाद लाइक तो कर दिया करो। चलो बाय बाय बाय। और मैं ब्लैक आ रही हूँ ना, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा।